महिलाएं सब काफी संख्या में आई, छात्र छात्राएं और हमारे युवा वर्ग के लोग युवतियां भी बहुत संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। पार्टी के जो बूथ स्तर पर अभी पार्टी के द्वारा कमिटी बनाई गई, सभी बूथों के अध्यक्ष और सचिव यहाँ उपस्थित हुए हैं, पार्टी के अन्य सभी पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, सभी सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मुझे याद है कि आज 1 मार्च 2020 में सम्मेलन हो रहा, और ठीक 5 साल पहले 1 मार्च 2015 को भी गांधी मैदान में ही कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। और जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों न सिर्फ पार्टी के सदस्यता का अभियान और हर स्तर पर कमेटियों के चयन का, अधिकारियों के चयन का काम हुआ, बल्कि जो बूथ स्तर पर अध्यक्ष और सचिव का चयन हुआ है, मैं उन सब का सबसे पहले अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आगे चुनाव में सबसे अहम भूमिका उनको निभानी है। और हमारे जितने और साथी साथ एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके अपने काम को बढ़ाएंगे, और जिस तरह से उसके बाद जो कुछ लोगों को ट्रेनिंग देकर के उनको ट्रेनर बनाया गया, और उन ट्रेनर्स के जरिए सारे लोगों को फिर ट्रेनिंग के काम में लगाया गया, और 28 जनवरी को मेरे स्तर पर भी मीटिंग हुई थी, जितने हमारे ट्रेनर हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, और ये तय हुआ कि हर जगह हम लोग प्रखंड स्तर पर सारे अपने बूथ के प्रभारियों का, बूथ अध्यक्ष सचिव सभी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करेंगे, और वह भी काम 10 दिनों के अंदर फरवरी महीने में पूरा किया गया। हम 22 फरवरी को फिर जितने जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष हैं सबके साथ हमने मीटिंग की और सबके साथ चर्चा की, और 28 जनवरी को ही तय हुआ था कि पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन 1 मार्च को फिर गांधी मैदान में हम करेंगे। तो ये सब काम कर रहे हैं। मैं पार्टी के अपने तमाम साथियों को इस बात के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। एक दुखद घटना परसों घट गई, हम लोगों के बहुत ही पुराने साथी प्रिय मित्र, जब से पार्टी समता पार्टी बनी उसके बाद से ही पार्टी में सक्रिय रहे भाई वैद्यनाथ महतो जी, किस तरह से उन्होंने अपने इलाके में जो अपराध होता था, हिंसा होती थी, उसके खिलाफ अभियान चलाया, और खुद भी उनको झेलना पड़ा था, और उसके बाद राजनीति में आए, हम लोगों के साथ रहे, विधायक बने, यहाँ मंत्री बने, फिर सांसद बने, और पुनः इस बार सांसद बने। लेकिन बड़ा दुखद मुझको लगा कि परसों कई सप्ताह से एम्स में वो भर्ती थे, इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों के सब प्रयास के बावजूद भी वो रह नहीं सके। हम लोगों को बहुत इसके चलते पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ, आज वो हमारे बीच में नहीं। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से अपने अपने क्षेत्रों में काम किया, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और एक बात जो हमारे साथीगण यहाँ कुछ न कुछ आप सबको बता रहे थे, देख लीजिए, जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया 2015 में 24 नवंबर से, और उसके बाद जो काम हम लोगों ने करना शुरू किया, और ये तीसरा टर्म है हम लोगों ने काम शुरू किया, जब तीसरी बार आए तो हमने 7 निश्चय का ऐलान किया। 2015 के अगस्त महीने में हमने इस बात का ऐलान किया, 7 निश्चय, सब लोगों ने इसको स्वीकारा, हमारा अलायंस बदल गया।
बिहार के बारे में, बिहार के लोग जो बिहार के बाहर रहते थे अपमानित होना पड़ता था, लोग छिपाते थे कि हम बिहार के रहने वाले हैं, क्योंकि बिहार को जंगल राज के रूप में जाना जाता था। और जब बिहार के लोगों ने मौका दिया और जब 2005 में पूरे बिहार में हम न्याय यात्रा पर निकले और उसमें हमने कहा था कि बिहार के लोग हम लोगों को काम करने का मौका देंगे, पूरे एनडीए को काम करने का मौका देंगे, तो हम कानून का राज कायम करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे। और वो कानून की क्या स्थिति थी, और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो कानून का राज हम लोगों ने कायम किया। आजकल पता नहीं क्यों कहीं से कहीं किसी को काटेंगे ना, किसी चीज की जानकारी नहीं होती है और दूसरा कुछ बोल देता है। सेंटर मैं तो एक एक चीज आपको थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा, लेकिन एक एक विषय पर जो भी काम किया गया है 2005 के 24 नवंबर से आज तक, हर विषय के बारे में हम पूरी जानकारी एक जगह इकट्ठा करके लिखवा करके हम आप सब लोगों को उपलब्ध करा देंगे, ताकि लोग जान जाए क्या हुआ। क्या ये बात करते रहते हैं, कानून का राज आपको मालूम है क्या स्थिति थी 2005 में और आज क्या स्थिति है? एलसीडी बंद करो आप, अच्छी तरह जान लीजिए 2018 का राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा जो अपराध आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं हर राज्य के बारे में, हर साल अपराध आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, 16 के बाद बहुत विलंब से 2017 का प्रकाशित हुआ और उसके बाद 2018 का प्रकाशित हुआ। हर साल के प्रकाशन के बाद हम बता देते थे, लेकिन 2018 का जान लीजिए, लोग बोलते रहते हैं, मालूम नहीं होता है। अपराध के बारे में चर्चा बहुत होती है, 2018 के अपराध आंकड़ों के अनुसार जितने दर्ज संज्ञेय अपराध हैं उसमें पूरे देश में औसत राष्ट्रीय औसत दर प्रति लाख यानी 1 लाख की जनसंख्या में जो संज्ञेय अपराध दर्ज होते हैं उसकी संख्या है 1 लाख की आबादी पर 383.5, पूरे देश का औसत है। और उसकी तुलना में 1 लाख की आबादी पर बिहार का है 221.1, यानी अपराध दर के आधार पर देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लीजिए तो बिहार का स्थान 23वां स्थान है। आप ये अच्छी तरह जान लीजिए, अपराध के मामले में और हर बार नियंत्रण करते हुए 1 लाख की आबादी पर अपराध का दर, संज्ञेय अपराध का दर घटता जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्योंकि अखबार में आजकल इतना नफेज हो गया है और क्षमा करेंगे मीडिया का इतना रूप हो गया है, नया सोशल मीडिया शुरू हो गया है, 24 घंटा चलता रहता है, तो कौन सी घटना की खबर नहीं आती, उसी को देख देख करके लोगों को लगने लगता है कि अपराध बढ़ गया है। हम आपको कितनी बात बताएं, अगर यहां पर आज इतना गर्मी नहीं रहता तो और डिटेल में बताते आपको, लेकिन अच्छी तरह जान लीजिए कि आप अगर अपराध के दर की बात करेंगे तो देश में 11वां, डकैती में 16वां, लूट में 17वां, अपहरण में 17वां, बलात्कार में 33वां, यह है बिहार की स्थिति। और पूरा डिटेल हम एक एक साल का सबको हम उपलब्ध करा देंगे ताकि लोग जान लें। और जान लीजिए, पहले FIR दर्ज होने में दिक्कत होती थी, अब FIR दर्ज होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चाहेगा FIR दर्ज कराना और कोई थाना वाला उसमें कोई गलती करता है तो तत्काल हम लोग कार्रवाई करते हैं, इसे अच्छी तरह जान लीजिए एक एक चीज। और उसके बाद जो आप एक बात जान लीजिए कि जो सबसे बड़ी बात है, हमने एक एक चीज का अध्ययन किया है, हम शुरू से इस बात का अध्ययन करते हैं। ये जो हत्या की घटनाएं घटती हैं, ये जो अपराध की घटनाएं घटती हैं खास तौर पर, उसका पूरा का पूरा आकलन किया, और आकलन किया सबसे ज्यादा जो हत्या की
चीजों के चलते जितने भी हो रहे हैं 60% उसी के लिए हो रहा है। और आपको मालूम है कि भूमि विवाद के चलते होता है, इसलिए भूमि विवाद के समाधान के लिए हम लोगों ने क्या नहीं करना शुरू किया। हर प्रकार से आप देख लीजिए, जो भी कांड प्रतिवेदित हुए हैं एक एक चीज का आंकड़ा मेरे पास है। तो 60% है तो क्या किया भाई हम लोगों ने, अब पारिवारिक बंटवारा में भी पैसा लगता 8% जितना कॉस्ट है जमीन का। हम लोगों ने क्या कर दिया पिछले वर्ष से, कर दिया कि अगर कोई पारिवारिक बंटवारा करेगा तो उसको सिर्फ सांकेतिक तौर पर 100 रुपया लगेगा। और उसके बाद वो पारिवारिक बंटवारा भी करवाने लगे, पारिवारिक बंटवारा भी नहीं करवाते थे। दादाजी के नाम पर, परदादाजी के नाम पर संपत्ति रहती थी। कोई भाई चला गया बाहर काम कर रहा है, कोई दूसरा यहाँ है, तो भाई दूसरे भाई के नाम पर आपसी बंटवारे थे, तो जमीन चला गया उसको भी किसी को बेच देता, उसमें भी बात पैदा होता था। न जाने कितने विवाद, उन विवादों से छुटकारा दिलाने के लिए हम लोगों ने कर दिया परिसंपत्ति के मूल्य के 8% पर जो होता था निबंधन, उसको घटा करके 100 रुपया कर दिया। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, सरकार यह भी विचार कर रही है कि निबंधित सेल डीड के समय विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम होने के बाद ही निबंधन किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विक्रेता अपना ही जमीन विक्रय कर रहा, इसके पश्चात वही व्यक्ति जमीन विक्रय कर पाएंगे जिनके नाम से जमाबंदी और दाखिल खारिज होगा। आजकल किस तरह से जमीन के नाम पर बुरा विवाद, आप जरा गौर से देखते हैं। मैं तो सबसे कहूंगा, खास करके जो कम उम्र के लोग हैं राजनीति में आ गए हैं, जरा गहराई से आकलन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ये काम हम लोग प्रारंभ से करते रहे हैं, जब से मौका मिला है एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करते हैं। सिर्फ अखबार पढ़ करके, मीडिया में कोई खबर देख करके, सोशल मीडिया में कुछ वायरल हो रहा उसको देख करके नतीजा पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी करने वाला कुछ करता है, क्या कर सकते हैं जिससे आप रोकिएगा। और आज आप जानते हैं क्या स्थिति हो गई है, ये तो हमने जमीन के बारे में आपको कहा, और जो कुछ भी हम लोग पूरा का पूरा करने चाह रहे हैं, सेटलमेंट सर्वे और सेटलमेंट एरियल सर्वे करवाया, पहले पहली बार बिहार है जिसने नए सिरे से 100 साल से भी पुराना सर्वे सेटलमेंट है, नया सर्वे सेटलमेंट करने के लिए एरियल सर्वे करवाया, ये बिहार में पहली बार लागू हुआ। और एरियल सर्वे करा के उसका जमीन पर वेरिफिकेशन हो रहा है, और इसके लिए आपको मालूम है 8,000 कर्मचारी और अमीरों की बहाली हम लोग कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार से नए सिरे से कौन जमीन किसका है ये एक एक बात हो जाए। और उसके बाद कंसोलिडेशन भी कराएंगे, वो बात की चीज है, लेकिन एक एक काम करवाते हैं। आप जितना भी चाहिए, जितनी तेजी से काम करना चाहते हैं उतनी तेजी से, कोई जरूरी नहीं है कि आप काम कर पाइए, क्योंकि कई तरह की समस्याएं बीच में आती है। इसलिए हमको आज के अवसर पर विशेष तौर पर आपको कहते हैं कि भाई हम लोगों के जितने साथी हैं उनका विश्वास विवाद में और झगड़ा में नहीं है, इसलिए अगर गांव में भी किसी प्रकार का विवाद होता है लोगों को समझाने की कोशिश करिए। और जो बिहार का विकास हुआ है, और आपको मालूम है बिहार की आबादी कितनी है, ये जो एक स्क्वायर किलोमीटर एक वर्ग किलोमीटर पर 1100 से भी ज्यादा आबादी है, देश की जो औसत आबादी है उससे भी 3 गुना उससे भी ज्यादा बिहार की आबादी है। वैसी स्थिति में कई प्रकार के विवाद होते हैं। जमीन जो हम लोगों ने विकास करना शुरू किया है, पहले कहां कोई जमीन खरीदता था, क्या स्थिति रहती थी, आज जब एक एक जगह पर काम करना शुरू किया, कितने बड़े पैमाने पर सड़क का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, आवागमन में सुविधा हर प्रकार से, और जिस तरह से काम हम लोगों ने करवाना शुरू किया, उसी का परिणाम है कि अब जमीन की कीमत बढ़ गई, बढ़ने लगी। और तब जब ये कीमत बढ़ती है तो बहुत लोगों के मन में ये बात आ जाता है कि साहब हम इस पर कब्जा कर ले तो हमको बहुत लाभ होगा। इस तरह से कई कारणों से विवाद हो।
इसलिए हम लोग वर्तमान स्थिति में भी बहुत सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य के लिए भी ये जो हम लोगों का काम है सर्वे और सेटलमेंट का ये काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद देखिएगा आपसे आप विवाद बहुत नीचे चला जाएगा। वैसे तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि हर आदमी को सुधार ही दीजिएगा, ये तो जो भी पैदा होता है उसका दिमाग गड़बड़ ही सोचने में रहता है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों का दायित्व तो है कि ठीक ढंग से लोगों के बीच में काम करें और लोगों को प्रेरित करें। तो एक एक चीज का काम हम लोग इस मामले में चला रहे हैं, दाखिल खारिज का अधिकतर अभियान भी चला रहे हैं। अभी जो है भविष्य का जो सेटलमेंट होगा सर्विस के बाद सर्विस सेटलमेंट होगा वो तो आगे लागू होगा, अभी जो लागू है के आधार पर भी सुधार के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब एक एक चीज बहुत सा काम नहीं किया, कानून का राज कायम करना और जो विवाद के कारण जो भूमि विवाद सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गया है उसको ध्यान में रख करके वह भी काम, और इसके अलावे प्रशासनिक सुधार का काम। जरा कल्पना करिए पहले जाते थे लोगों को इनकम सर्टिफिकेट लेना है आमदनी का, किसी को जात का सर्टिफिकेट लेना है, किसी को आवासीय सर्टिफिकेट लेना है, जाते थे ब्लॉक से लेकर के ऊपर तक कितना बार चक्कर लगाते रहते थे, अगर किसी का जूता पहनते थे इतना बार जाते थे ब्लॉक का सब डिविजन कि घिस जाता था, मिलता नहीं था और अंत में कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता था तब मिल पाता था। हम लोगों ने क्या किया 2011 से इसका एक एक चीज का अनुभव करके लोक सेवा अधिकार कानून लागू किया और आपको मालूम है कि आप किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अनेक प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत है वो बहुत आसानी से मिल रहा और पता है लोक सेवा अधिकार कानून को लागू किया। इसके अंतर्गत अद्यतन जो 2011 से लागू किए हैं आज तक 23,27,00,000 आवेदनों का निष्पादन हुआ, आबादी से भी लगभग दोगुना, आप समझ लीजिए अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सारे साथियों को एक एक बात की नजर भी रखनी चाहिए, जानना चाहिए। और 2016 से लोग शिकायत निवारण कानून बना करके लोग मिलते थे हमको, 2006 से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री और उसके बाद नीचे का डीएम एसपी वीडियो दरोगा सब के लिए इंतजाम का हम लोगों ने किया था, जो हम देखते थे शिकायत लेकर के आते थे, जितना संभव था पीछे पड़ते थे, निष्पादन कितना हो पाता था बहुत कोशिश करते थे तो 40% 45% उससे अधिक कभी निष्पादन नहीं हो पाता था। लगातार हमने 10 साल काम किया, ये मेरे दिमाग में बात आई कि अगर शिकायतों का निवारण करना है तो हम लोगों को कानून बनाना पड़ेगा और ये अधिकार देना पड़ेगा। तो लोक शिकायत अधिकार निवारण कानून जो हम लोगों ने लागू किया, अब उसके बाद आप देख लीजिए 6,60,000 से अधिक आवेदनों का निष्पादन, लोगों की शिकायतों का निवारण किया गया। अब शिकायत करते हैं लोग प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर है, जिला स्तर पर है और विभाग के स्तर पर, किस तरह से उसका निष्पादन किया जा रहा, एक एक काम हम लोग एक एक चीज करवा रहे हैं। और एक बात और कर दिया, जो सरकारी सेवा में लोग हैं सरकारी सेवकों को भी उनके शिकायतों का निपटारा हो सके, इसलिए बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली को भी हम लोगों ने लागू किया और जब लागू कर दिया पिछले वर्ष तो अब तक इतने कम समय में 1844 से अधिक आवेदनों का निष्पादन कर शिकायतों का निवारण किया गया। सरकारी सेवकों का भी ख्याल रखते हैं, तो आम लोगों का क्या, सरकारी सेवकों का क्या, तो एक एक चीज तो इसलिए अगर कोई कहता है तो आप जान लीजिए कानून का राज कायम करने के लिए बहुत जरूरी है जमीन से संबंधित भूमि का निबंधन और ये सब काम हम लोग पूरा करें और प्रशासनिक सुधार का काम करें, ये काम किया। और क्या हालत थी शिक्षा की, लोग बात करते रहते हैं आजकल तो चलते रहता है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहता है, शिक्षा
स्कूल से बाहर रह जाते थे। और उसमें भी हमने सर्वेक्षण कराया कि कौन है ये जो सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर रहते हैं। स्कूल से बाहर रहने वाले या वो अल्पसंख्यक समुदाय के थे या महादलित थे। और इसके लिए हम लोगों ने क्या कहा, क्या तालीमी मरकज स्वयं सेवक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और टोला सेवक बाकी जो महादलित और दूसरे लोग थे उसके लिए हम लोगों ने शुरू किया। पढ़ने नहीं जाते थे, उनको घर के बाहर पता करके और उनको अलग से पढ़ा करके और उनकी उम्र कुछ हो गई आगे स्कूल तक पहुंचाना और स्कूल में भी जाकर इनके द्वारा ध्यान रखा जाता था। उसके बाद क्या स्थिति आ गई, अब 1% से भी कम है स्कूलों के बाहर। और क्या स्थिति थी, प्राथमिक विद्यालय तक तो लोग चले जाए, लड़कियां भी चली जाए, लेकिन मध्य विद्यालय में लड़कियां बहुत कम जाती थी मिडिल स्कूल में। और उसका कारण था लोगों की गरीबी, बेटी को अगर छठे क्लास में भेजेंगे तो उस समय उसके लिए ठीक ठाक कपड़ा देना पड़ेगा, गरीबी के कारण कपड़ा देने की स्थिति में लोग नहीं थे। तो हमने क्या किया, 2007 में मिडिल स्कूल में पोशाक योजना की शुरुआत की। और क्या वातावरण बदला और कितनी बड़ी संख्या में स्कूल जाने लगी लड़कियां। और तब हमने सोचा कि लड़की को सिर्फ 8वें तक पढ़ाएंगे, इसको कम से कम मैट्रिक तक पढ़ाएंगे। और उसका सर्वेक्षण किया तो 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में 1,70,000 से भी कम थी। हमने साइकिल योजना की शुरुआत की, अरे लड़कियां पटना में भी साइकिल नहीं चलाती थी। हमने कहा कि सब लड़की को स्कूल 9वें क्लास में जाएगी साइकिल देंगे, साइकिल देना शुरू किया, उपलब्ध कराया, लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ने लगी, समाज का वातावरण कितना बदल गया। कोई सोचता भी नहीं था कि लड़की साइकिल चलाएगी, लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, आत्मसम्मान में बढ़ा लड़कियों के मन में और पूरा वातावरण कैसा हुआ। शुरू में तो लोग कहते थे कि लड़की को साइकिल पर भेज रहे हैं, सब लड़की के साथ गड़बड़ करेगा लोग, हम तो हंसते रहे। हमने कहा देख लीजिएगा, अरे हर घर की लड़की जब जाएगी तो कोई घर का आदमी किसी दूसरे घर की लड़की को अपमानित नहीं करेगा। और जानते हैं कब से शुरू हो गया, देखिए न सोचते हैं लोग और न कुछ प्रयोग करते हैं, न सर्वेक्षण कराते हैं, न जानकारी लेते हैं, न आकलन करते हैं, न अध्ययन करते हैं, जुबान चलाते रहते हैं, जुबान चलाते रहते हैं। ये मेरा काम नहीं, हमको काम करते हैं और जो काम करते हैं और क्यों काम करते हैं उसी की जानकारी हम लोगों के बीच में देते हैं प्रारंभ। तो अब क्या स्थिति हो गई, साइकिल योजना 2-3 साल तक चली और उसके बाद लड़के लोग भी जगह जगह हमको मिलने लगे तो कहने लगे अंकल हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने 10 के बाद लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू कर दी। और आज आपको मालूम है लगभग 15 लाख 9वें क्लास में लड़के लड़कियों को साइकिल उपलब्ध कराया जा रहा है। और अब जब 9वें क्लास में लड़कियों की संख्या इतनी कम थी और अब मालूम है अब मैट्रिक में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई, कोई शिक्षा के बारे में बात करता, का ज्ञान है, इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों को हाई स्कूल पहुंचा दिया, कहां थे टीचर, कैसे बहाल किया, 3.5 लाख के करीब शिक्षकों की का नियोजन हम लोगों ने किया। आजकल टीचर लोग भूल जाते हैं कि कल क्या मिलता था और उसके बाद किसने आपको दिया और कैसे 15 से फिक्स सैलरी की जगह पर सैलरी दे दिया और अब कितना मिल रहा। लेकिन हम सबको कहेंगे लेकिन किसी को रोकिएगा, आप किसी के लिए कुछ भी करते जाइए वो और चाहता है, हम इसको अप्राकृतिक नहीं मानते, ये स्वाभाविक चीज है, अगर कुछ मिलेगा तो और खोजेगा और खोजता, हमको कोई एतराज नहीं, खोजो, हमारे पास जो भी क्षमता होगी हम पढ़ाते ही जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। लेकिन उम्मीद करते हैं सारे शिक्षकों से, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका जो बुनियादी दायित्व तो है, कर्तव्य है, बच्चे बच्चियों को पढ़ाना पढ़ाइए। अगर आप नहीं पढ़ाते हैं तो लोगों के बीच में अलोकप्रिय हो जाइएगा,
इससे अगर अपनी लोकप्रियता चाहते हैं तो बच्चे और बच्चियों को पढ़ाइए। हम एक एक बात करते हैं, लोग कुछ भी करता है, हम किसी का नुकसान करते हैं, जो भी हमसे संभव होता है हम उसका भला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शिक्षा की स्थिति कितना हम लोगों ने बढ़ाया, यही नहीं, क्या हाल था कॉलेज का उसका आप बताइए, किस तरह से सात निश्चय की बात पर हम आगे आएंगे, कितने और कॉलेज का करना शुरू किया। और अब तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार में मात्र 13% इंटर के आगे पढ़ने वाले लोग थे, जो इतने लोग इंटर पास करते उसका 13% थी। आप हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हर जगह इतना कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, इन सब चीजों के चलते आप उसकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारा लक्ष्य है कि देश का औसत जो 24% है, हम अपने यहां कम से कम 30% तक उसको पहुंचाएंगे कि इंटर के बाद लोग जाए, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम ऐसा नहीं है कि यहां पर हर जगह हम लोग इसके लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन जरा सोच लीजिए, आबादी कितनी है जिसका जिक्र हमने कर दिया और तब हम लोग इतना काम कर रहे हैं। जहां आबादी नहीं है, आबादी की कमी है, वहां पर अगर कोई इस काम को कर पाता है तो वह गलत बात। तो शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह कौन सा काम नहीं हो रहा, अब आप जान लीजिए, हम लोगों ने तय कर दिया। अब ये जो हम बात कर रहे थे हायर एजुकेशन के लिए, सब तो काम किया, लेकिन हम एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करते हैं। जो हमारी इतनी आबादी, प्रजनन दर इतना था, जब 2005 में हम लोगों को काम मिला तो प्रजनन दर था 4.3, अब घटकर गया है 3.2 पर, उसको और आगे घटाना है। लेकिन उसका आकलन किया तो यही पता चला कि अगर ये जो सारे देश का और बिहार का जो आंकड़ा है, अगर सारे देश में भी जो पति पत्नी में अगर पति मैट्रिक पास है तो सारे देश में भी औसत प्रजनन दर हो, और बिहार के भी वैसे परिवार में जहां पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है यहां भी प्रजनन दर था 2, और पूरे देश में पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो प्रजनन दर था 1.7, और बिहार में पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो यहां मिला था प्रजनन दर 1.6। उसी समय मेरे मन में यूरेका की भावना आई और उसी समय हमने तय किया कि जब तक हम अपनी तमाम बच्चियों को इंटर तक पढ़ा नहीं देंगे, ये जो प्रजनन दर के चलते आबादी इतनी बढ़ती चली जा रही है उसमें कमी नहीं आएगी। तो उसमें कमी लाने के लिए और प्रयास कर रहे थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से कमी आ जाएगी जब सब बच्चियों को हम मैट्रिक और इंटर तक पढ़ा देंगे। और इसलिए हमने तय कर दिया कि सारे बिहार के हर ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित होगा, 12वीं तक की पढ़ाई होगी, और 6000 पंचायत में लगभग हो गया, जो बचा हुआ इलाका है अब उन सभी जगहों पर इस साल, आज 1 मार्च 2020 का अप्रैल, एक महीने के बाद सभी पंचायतों में जो बाकी बचे हुए पंचायत हैं उसमें 9वें की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और उसके लिए बिल्डिंग बनाना, कमरा बनाना, एक एक चीज, लड़कियां भी पढ़ेगी, उसके लिए शौचालय का निर्माण, हर तरह का काम किया जा रहा है, और 450 करोड़ रुपए से भी ज्यादा काम अनुदान दिया जा चुका है, ये सब काम हो रहा है। मेरा लक्ष्य है कि बचे हुए पंचायत में भी ये काम शुरू हो जाए और हर पंचायत में लड़कियों के पढ़ने के लिए इंटर तक का प्रावधान रहेगा और बड़े पैमाने पर शिक्षकों का भी नियोजन। तो एक एक चीज का काम हम लोग इस सब काम को करवाते जा रहे हैं। तो इसलिए समझ लीजिए कि कहीं से भी किसी चीज को हम लोग छोड़ने वाले नहीं। और उसके अलावा एक बात और जान लीजिए, बांका से प्रयोग हुआ, उन्नयन बांका स्कीम, नाम लिखाती है लड़कियां लड़के लिखाते हैं लेकिन बहुत लोग स्कूल नहीं जाते। लेकिन बांका में जो काम किया उन
उन्नयन योजना के अंतर्गत जो बच्चों को जिस तरह से टेलीविजन सामने रख करके स्क्रीन सामने रख करके पढ़ाया, हम जा करके देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो लड़के और लड़कियों का जिस तरह से उत्थान हो रहा था, तब हमने कहा कि बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट को भी जोड़ दो, जोड़ दिया और उसके बाद उस योजना को पूरे बिहार में लागू कर दिया, उन्नयन बिहार स्कीम। और अब तो हमने कह दिया है, ये जो अपराध की बात कर रहे थे, बच्चियों के साथ जो कई प्रकार की घटनाएं घट रही है, उसका कारण क्या है? सब हमारे यहाँ मित्र हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं। एक ही बात जान लीजिए दोस्तों कि किस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी करते हैं, सदुपयोग